जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनावों का सिलसिला समाप्त होने में अभी समय है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उस उत्तर प्रदेश के लिए एक भविष्यवाणी कर दी है जहां केंद्र सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद कर रही। किसी भी पार्टी के लिए अच्छा प्रदर्शन अति आवश्यक होता है। बीजेपी को लेकर ममता बनर्जी ने NDTV के प्रणय राय से ये कहा कि बीजेपी हार रही है और उसके राज्य की 80 में से 12 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 7 से 8 सीटें मिलेंगी और मायावती और अखिलेश यादव का प्रदर्शन बेहतरीन होगा। सन 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 70 सीटें जीती थी। उसी के साथ उसके सहयोगी अपना दल 2 सीटें से हासिल की थी, जिसकी वजह से बीजेपी को लोकसभा में आसानी से बहुमत मिल गया। 3 दशकों में ऐसा पहला मौका था जब किसी एक पार्टी को ही पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दलों के भी सामंजस्य बहुत हैं और आगे की योजनाओं के लिए उनकी बातचीत आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे विपक्षी को खिचड़ी कहे जाने पर लेकर भी पूछे गए सवालों पर ममता बनर्जी ने कहा कि खिचड़ी बनने में हर्ज क्या है, खिचड़ी बनने में चावल दाल या आलू की सब्जी भी हो सकती है, इसे खिचड़ी में एक साथ रखा जाता है। इसी के साथ जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का आकलन अन्य नेताओं के साथ करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि वह उनकी रेटिंग नहीं कर सकती क्योंकि PM मोदी भाषावादी से भी बदतर हो गए हैं। जो वह बंगाल में कर रहे हैं वह आपातकाल से भी ज्यादा है। वह सब कुछ चला रहे हैं, सभी अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।